हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो फ्रेंड्स, आज हम निकले हैं वैष्णो देवी ट्रिप के ऊपर। तो दिल्ली से जम्मू तक हम जा रहे हैं, दिल्ली से कटरा तक हम अपनी कार से जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पास मेरी ही गाड़ी है और रास्ते का सफ़र बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। फ्रेंड्स, बर्फ़ गिर चुकी है वहाँ पे, वो अभी ऐसा मैंने सुना है, जाकर देखते हैं बर्फ़ गिरी है या नहीं गिरी है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम नियर अबाउट कहीं पानीपत हैं और CNG भरवाने के लिए रुके हैं गाड़ी में, तो चलते हैं फ्रेंड्स। अभी टाइम जो है, अगर मैं आपको टाइम भी दिखा पाऊँ फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 7:15 हो गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं हम कब पहुँचते हैं और कितना रोमांचक हमारा ये सफ़र रहता है फ्रेंड्स। तो बने रहें चैनल पे, कीप वॉचिंग। तो फ्रेंड, करनाल रुके हैं ये हम अभी मयूर ढाबा। तो मयूर ढाबा यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद जो है सीधा निकलते हैं ड्राइव पे। तो जस्ट कैरी ऑन, मज़ा आएगा। टाइम मैं दिखा पाऊँगा आपको तो 1:30 बज चुका है, दिल्ली से चले हुए 7 घंटे हो गए हैं। अब भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है लगातार गाड़ी ड्राइव करने के बाद, वो भी अकेले। फ्रेंड्स, बड़ा मतलब मज़ा आ गया है। तो हैक्टिक भी हो गया है काफ़ी, 7 घंटे हो गए हैं, 6 घंटे की ड्राइव अभी और है। तो चलो फूड लेते हैं, अपना खाना खाते हैं, द फेमस लक्की ढाबा जलंधर। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद जलंधर क्रॉस हो चुका है, जलंधर सिटी से हम बाहर आ गए हैं। तो जलंधर से पठानकोट टोल के लिए रुके हैं और टोल पे करने के बाद चलो फ्रेंड निकलते हैं टुवर्ड्स पठानकोट। पठानकोट क्रॉस करने के बाद हमारा जो है जब हिमाचल बॉर्डर लग जाएगा। हिमाचल बॉर्डर मैं अभी आपको पूरा कवर करके इस वीडियो में दिखाऊँगा फ्रेंड्स। तो बने रहे हमारे चैनल पर और इस वीडियो को जहाँ तक है पूरा देखना, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट में वीडियो बनाया है, अनकट है और बहुत ही मतलब फालतू का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपका सब यूज़फुल डिटेल्स मैंने लेने का कोशिश किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पूरा मतलब वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देखें, कंप्लीट जानकारी लें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये हिमाचल बॉर्डर जो है शुरू हो गया है, आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ये फ्रेंड्स 4-5 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, उसको भी मैंने जो है कट करके जो है व्यूज डाले हैं इसके अंदर ताकि वीडियो लंबा ना बने। आप देख पा रहे हो ग्रीनरी है फ्रेंड दोनों तरफ। गाड़ी चलाने का भी दोस्तों ऐसे में अपना ही एक रोमांच है मैं कहूंगा। बिल्कुल साफ रोड है और ट्रैफिक नहीं है, तो पता ही नहीं लगा कब ये 9 घंटे का सफर, 10 घंटे का सफर अभी मेरा ये हो चुका है, 9 घंटे अप्रॉक्स, 3 घंटे का सफर अभी और बाकी है टुवर्ड्स कटरा। तो ये हल्की फुल्की चढ़ाई है जो कि महसूस नहीं हो रही है, गाड़ी चल रही है आराम से। तो फ्रेंड देख पा रहे हो ये अभी हिमाचल बॉर्डर जो है खत्म होने वाला है, अभी हम J&K में जो है एंट्री ले लेंगे। यहाँ से J&K बॉर्डर को ये अराउंड 1-2 किलोमीटर है। तो फ्रेंड अब हम J&K में एंट्री लेने वाले हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम पठानकोट वाली रोड पर हैं, अभी हम जम्मू की तरफ बढ़ रहे हैं और J&K में एंट्री हमारी हो चुकी है। लखनपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, आप देख पा रहे हो। तो ये लखनपुर डिस्ट्रिक्ट का चेक पोस्ट है, तो इसको क्रॉस करते ही हम सीधा मतलब जम्मू शहर की तरफ बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हो पुलिस का मतलब भारी इंतज़ाम, जो भी देश में अभी दंगे फसाद वगैरह चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, J&K में एंट्री होते ही हमने देखा बहुत ही भारी सुरक्षा के इंतज़ाम है, भले ही अभी जम्मू नहीं आया, लखनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसे क्रॉस करते ही हमारा अभी जम्मू अप्रॉक्स 1 आवर की जर्नी है। तो अभी हमारा चेक पोस्ट क्लियर हो गया है, चेकिंग वगैरह के लिए कोई रोका तो नहीं उन्होंने हमें।
फिर भी चेक पोस्ट हमारा क्लियर हो गया एंड डायरेक्टली टू वार्ड्स टू जम्मू। तो फ्रेंड जम्मू की तरफ चल पड़े हैं, जम्मू शहर की तरफ, और मेरे अकॉर्डिंग हम पहुंच चुके हैं, अब शाम के 7 बज चुके हैं, शाम के 6 बज चुके हैं। जम्मू कैंट हम क्रॉस कर रहे हैं जम्मू सिटी के अंदर, हम जम्मू सिटी के अंदर हैं, जम्मू कैंट पहुंच चुके हैं और कटरा की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से कटरा अराउंड 49 किलोमीटर और रह गया है, तो 49 किलोमीटर अप्रॉक्स 1 आवर और 1.5 आवर, तो 7:30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स कटरा हाईवे पे चढ़ चुके हैं अभी, ये अभी कटरा का थोड़ा सा वो जो पुराना रास्ता है वो है, इसके बाद हम जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो है आ जाएंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे जो अभी नया बना था जिसमें टनल्स वगैरह भी हैं, टनल्स भी मैं आपको इसमें शूट करके दिखाऊंगा और एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा टनल्स के लिए, एक मॉर्निंग का और एक नाइट का, दोनों का व्यू आपको टनल का व्यू पूरा मिलेगा उसमें। मेरा सजेशन यही है फ्रेंड्स, कोई भी अनजाना रास्ता हो, स्पेशली पहाड़ी रास्ता, उस पर स्लो चलें, आराम से चलें, कोई किसी तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे सड़क भी टूटी हो सकती है, कैसा मोड़ है आपको नहीं पता है। यहाँ तो खैर सड़क फिर भी ठीक है, बट मैंने दूसरे पहाड़ों पे ड्राइव किया है, रात में भी ड्राइव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सड़क भी बेटर है, यहाँ पे इतना घुमाव भी नहीं है, इतने मोड़ भी नहीं है। तो अभी हम जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आ गए हैं, कुछ किलोमीटर्स चलने के बाद हमें कटरा की तरफ मुड़ना पड़ेगा, एक टर्न लेना है कटरा के लिए जो कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, J&K की रियासी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कटरा पड़ता है। तो फ्रेंड यहां से श्रीनगर स्ट्रेट अराउंड 214 किलोमीटर्स यहां से रह जाता है, 214 किलोमीटर है, बट हमें तो कटरा ही जाना है अभी फिलहाल, श्रीनगर का कोई ट्रिप नहीं है। नियर फ्यूचर में श्रीनगर का भी मैं टिकट आपको पूरा दूंगा ट्रिप अपना। तो फ्रेंड्स अब आ रही है टनल, फर्स्ट टनल है ये, और 3 टनल्स आती हैं बड़ी बड़ी, उन तीनों टनल्स का मैं व्यू आपको जो है एक नाइट का व्यू भी अलग से एक वीडियो में दूंगा और डे टाइम का भी व्यू पूरा एक अलग से दूंगा वीडियो में, जिससे कि आपको पूरा एक वहाँ का मनोरम दृश्य और जो टनल्स हैं हमारे जम्मू श्रीनगर हाईवे के ऊपर उनका एक अच्छा व्यू आपको मिलेगा। तो दोस्तों किसी भी तरह की जल्दी ना करें, अभी एक स्विफ्ट गाड़ी मुझे क्रॉस करती हुई गई है, मैं अप्रॉक्स 80 पे चल रहा हूँ और वो मुझे ऐसे क्रॉस कर गई, अराउंड 120 तो होगा उसका स्पीड। तो फ्रेंड्स ऐसे रास्तों पर जल्दी ना करें, जान जोखिम में ना डालें ऐसे पहाड़ी रास्तों पर। तो फ्रेंड ये कटरा के लिए टर्न ले लिया है हमने हाईवे से, यहां से फिर थोड़ा सा घुमावदार पहाड़ी रास्ता जो है शुरू हो जाएगा, तो धीरे चलें, संभल कर चलें। तो फ्रेंड ये कटरा चेक पोस्ट आ चुकी है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, हम एंटर हो चुके हैं, चेक पोस्ट आ चुकी है, आप देख रहे हो। इसके बाद हमें कटरा म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है उसका भी एक टोल टैक्स देना पड़ता है 75 रुपीज़ का, जो कि वन टाइम टैक्स है, आपको रिटर्न में ऐसा कोई वहां पे टोल नहीं भरना, जाते समय सिर्फ आपको अपनी कार पे जा रहे हो तो वो टोल देना ही पड़ता है, मैंडेटरी है सबके लिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर है या प्राइवेट व्हीकल है या बस है। तो फ्रेंड्स ये आ चुका है वो टोल के लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कटरा का मतलब टोल बूथ है ये, यहाँ पे हमने 75 रुपीज जो है टोल पे किया था।
आप देख रहे हो कोई भी कमर्शियल व्हीकल है या कुछ भी है, प्राइवेट व्हीकल है, मेरा तो प्राइवेट व्हीकल है फिर भी मैंने हमने टोल दिया यहाँ पे, तो वो मैंडेटरी है सभी के लिए। अब ये इनोवा गाड़ी है, इसने भी टोल दिया सेम 75 का ही, कमर्शियल गाड़ी थी ये। तो माता रानी का हमारे त्रिकुट पर्वत सामने दिखाई देने लगा है फ्रेंड्स, अब कटरा पहुंच चुके हैं। ये कटरा मार्केट अभी जो है शुरू हो गई है, सब होटल्स लाइन से हैं। सामने आप देख पाओगे माता रानी का पर्वत हमें दिखाई दे रहा है, भवन उनका त्रिकुट पर्वत। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, रात के कोई 7:50 हो चुके हैं अभी, 7:50 अप्रॉक्स 8 ही आप मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स कटरा पहुंच चुके हैं, कटरा बस स्टैंड के ऊपर हैं अभी हम, तो चलते हैं अपने होटल की तरफ। होटल हमारा भी बुक है, तो होटल अभी हमें ढूंढना भी पड़ेगा, बाणगंगा रोड पर आई थिंक कहीं पर वो होटल हमारा है, तो सीधा चलते हैं बाणगंगा रोड पे होटल की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से अभी ये बाणगंगा रोड ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट साइड में हमारा होटल जो है हमें मिल गया है। ये थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 13 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच चुके हैं कटरा। ठंड बहुत है मेरे पीछे, आप देख पा रहे हो, भवन आपको साफ साफ दिखाई देगा पीछे, मतलब बहुत बढ़िया है। कटरा पहुंच चुके हैं, चलो खाना वाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर दे, कल चढ़ाई भी शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, और भवन की यात्रा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जय माता की फ्रेंड। तो फ्रेंड तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।